सिवनी जिले के घनसोर में चालक परिचालक संघ ने बस टिकटों को जलाते हुए जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इन लोगों का कहना है कि वे 6 महीने से घर पर बैठे हैं, लिहाजा परिवार को भरण पोषण के लिए सरकार उन्हें 7,500 रूपये और 10 किलो अनाज प्रतिमाह के हिसाब से दे। उनका आरोप है कि बस मालिकों की मांगे मानी गई, लेकिन उनकी और कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक बसों में वो नहीं जाएंगे और ना ही बसें चलने दी जाएंगी। साथ ही चालक परिचालक संघ ने उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। जो बस रहती है उसकी टिकट अग्निदाह है, उसका कारण ये कि 5 महीने से जो बसें बंद थी, जिससे चालक परिचालक ड्राइवर कंडक्टर हेल्पर उनकी परिस्थिति आज ऐसी हो गई है। आज वो मरने तो तारू हो गए हैं, भीख मांगने लगे हैं। शासन प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, इनके द्वारा चालक परिचालक संघ की कोई सुनवाई नहीं हुई। आज